हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारा इंडक्शन कढ़ाई। ये वाली फिक्स कढ़ाई है। इसके अंदर जो है आपका टेम्परेचर सेटिंग होती है, जिसको आप चाहे फ्राइंग के लिए यूज़ करो, चाहे आप कोई भी कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इंडियन करो, चाहे आप इसमें चाइनीज करो, किसी भी तरीके की करो। मैं आपको इसका बताता हूँ यूज़ करना कैसा है। इसमें आप देखोगे रेगुलर वालों में से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें एक तो पावर का नॉब है, ये हमारा पावर है। ये 5 किलो वॉट का है। इसमें जो हम पावर देते हैं, तो इसमें जो कॉयल है, इसमें पूरी कॉयल यहाँ तक है। ये आप देखेंगे, ये पूरी की पूरी कढ़ाई है। इसके अंदर ये फिक्स कढ़ाई है। इसके अंदर क्लीनिंग करने के लिए हमने यहाँ पर एक होल भी रख रखा है। इसकी डिप ट्रे नीचे है, यहाँ पर डिप ट्रे है। जो क्लीनिंग होगा यहाँ से हो जाएगा। और इसके अंदर जो है कॉयल पूरी ऊपर तक है। ये पूरी ऊपर तक कॉयल है। ये पूरी की पूरी ये हीट जोन है। यहाँ पर ये पूरा हीट जोन है। सिर्फ नीचे से हीट नहीं आ रही, इसका सारा हीट जोन है। और ये जो है ये प्रोब के साथ में इसका जो भी टेम्परेचर है वो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। अभी पानी ठंडा था, अभी हमने डाला। आप देखेंगे पानी जो है ये टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। और जब इसमें टेम्परेचर आ जाता है तो ये कट मार के आता है। इसमें वेंटिलेशन का आपने बहुत अच्छा सिस्टम दे रखा है। नीचे में इसमें वेंटिलेशन है और इसमें यहाँ भी वेंटिलेशन है। आप देखेंगे ये दो फैन है, ये फैन है दोनों। ये दोनों के दोनों जो है जो भी आपकी हीट अंदर इकट्ठी हो रही है वो बाहर आती है। हीटिंग बहुत फास्ट है। आप देख सकते हो कितनी फास्ट इसके अंदर हीट हो गई। पानी जैसे आप देखो स्टीम निकलनी शुरू हो गई है। यहाँ टेम्परेचर देखो जो 30 डिग्री था वो 63 डिग्री हो गया। इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। आपका जब भी आप इसको यूज़ करो, आपको बेसिकली ये पावर से कंट्रोल करना है। जल्दी टेम्परेचर चाहिए तो आप इसको हाई पावर पे रखोगे, जल्दी आएगा। आपके पास ऑर्डर नहीं है, कम पे रखो। आपका टेम्परेचर आपका कट मारेगा जब आएगा, और फिर धीरे 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 इंक्रीज होगा। क्योंकि आपके पास ऑर्डर है नहीं, आपको इमीडिएट नहीं करना। इमीडिएट करना है तो आप इसमें पावरफुल कर लो। और टेम्परेचर यहाँ से सेट करना बहुत ईजी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने प्रेस करा तो करंट टेम्परेचर 220 है। इसको मुझे प्लस माइनस करना हो तो यहाँ से प्लस माइनस कर सकता हूँ। ये मैक्सिमम 250 तक जाता है। मैंने 220 सेट कर रखा है, जो हमारी कुकिंग के हिसाब से यूजुअली आइडियल टेम्परेचर है। वापस मैंने ये प्रेस करा तो ये एक्चुअल टेम्परेचर अभी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो मैंने जो सेट कर रखा है वो है 220 पे। और 220 पे आके ये कट मार देगा। अभी हम इसको एक बार कट मारने के लिए इसको हम वापस कम पे सेट कर लेते हैं। हम इसको 95 पे करते हैं भाई। देखो ये कट मार, ये हीट यहाँ बंद हो गई, क्योंकि एक्चुअल टेम्परेचर अभी ऑलरेडी 100 पहुँच चुका है। अभी ये वापस जो है ये हीटिंग जो है बंद हो गई। अब ये देखिए हीट का ये बंद हो गया। मैं एक बार दोबारा ये बढ़ा देता हूँ, ये सेटिंग जो है ये बढ़ा देता हूँ। मैं 102 कर देता हूँ। अब देखो ये 100 है जो अभी एक्चुअल टेम्परेचर है, और जो सेट टेम्परेचर है हमने 102 करा है। तो ये हीट वापस से शुरू हो गया। तो ये कट मारेगा जब आपका टेम्परेचर आएगा। एकदम प्रिसाइज कुकिंग है इसके अंदर। और जो आप टेम्परेचर सेट करना चाहते हो वो एक ही बार करना है, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सेट हो गया। अब देखो ये पानी कितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से हीट हो गया। सारी हीटिंग जोन पूरा का पूरा यहाँ पर हीट होता है। इसमें मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। इसमें पानी ये पूरी हीट जो है पूरी ऊपर तक, ये पूरा पानी का चला गया, ये पूरी हीट है यहाँ पर। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी मशीन। इसमें हम अलग अलग तरीके की और भी बनाते हैं। हमारे पास ऐसे प्लेन ग्रिडल भी होती हैं, जिस पर आप स्टेक्स वगैरह बना सकते हो, या फिर आप डोसा भी बना सकते हो, कुछ भी चीज़ बना सकते हो। इसमें आपके पास हमारे पास बास्केट वाले फ्रायर भी होते हैं, वैसे भी मिल जाएंगे। और ये टेम्परेचर सेटिंग के साथ आपको जो जो चीज़ें आप चाहते हो एकदम प्रिसाइज कुकिंग होती है। कोई रिक्वायरमेंट हो आपकी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम कस्टमाइज भी करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।